नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधाज कैलनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगलोर भाजी। इसको मैसूर भाजी या फिर मैसूर बोंडा भी बोला जाता है। आप इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये 200 ग्राम दही ली है, 150 ग्राम यहाँ पर मैदा है, 4 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने राइस फ्लोर चावल का आटा लिया है, 1 प्याज है चॉप की हुई, 4 टीस्पून यहाँ पर हमने कद्दूकस किया हुआ, नारियल लिया है ताजा नारियल है ये, थोड़ा हींग है, धनिया पत्ते हैं 2 बड़े चम्मच, सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा, 2 हरी मिर्च है चॉप की हुई, 1/2 इंच है यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ और 10 से 12 कड़ी पत्ते हैं उसको हमने चॉप कर लिया है और तलने के लिए है तेल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हम अब दही डाल रहे हैं, इसमें हम प्याज डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ, नारियल डाल रहे हैं, यहाँ पर ताजा नारियल है ये, अदरक डालेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, धनिया पत्ती डाल रहे हैं, कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, इसी में हम हींग डाल देंगे, नमक हम यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं और इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम मैदा डाल रहे हैं, चावल का आटा डालेंगे और अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से बीट करना है हमें। यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लिया है अच्छे से, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। अब हमारा बैटर तैयार है, इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम अपने मैसूर भाजी को फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हम और इसमें डालेंगे, इनको हम पलट देंगे। इसको निकाल देंगे, हम इसमें दोबारा डाल रहे हैं। एकदम परफेक्ट टी टाइम स्नैक है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारी मैसूर भाजी भी सेकंड बैच भी बनकर तैयार है, इसको हम निकाल देंगे और बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे मैसूर भाजी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इनको सर्व करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेटर लिया है, उसमें हमने टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी रखी है, ये ग्रीन चटनी हमने कोरिएंडर और नारियल से बनाई है, अब हम इनको सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारी मैंगलोर भाजी या फिर मैसूर बोंडा बनकर तैयार है, हमने इसको टमाटो केचप के साथ चटनी के साथ सर्व कर दिया है। ये देखने में जितने टेम्पटिंग है, खाने में उतनी डिलीशियस है, आप इसको शाम की चाय के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।